यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ादान सहित 13 ट्राईसाइकिल को जनहित में नगर निगम को गिफ्ट किया है, जिसका शुभारंभ बख्शीपुर स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के परिसर से नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्ड में रवाना किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि इस ट्राईसाइकिल के माध्यम से भरपूरवा, निजामपुर, गुड़ियाना, इलाहीबाग, तिवारीपुर आवास विकास कॉलोनी, गाजी रोजा, जाफरा बाजार स्टेट बैंक कॉलोनी, कल्याणपुर, इस्माइलपुर, मिर्जापुर में स्रोत पर ही गीला सूखा कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रारंभ किया गया। अपने अपने घरों से गीले सूखे कूड़े की पहचान करते हुए अलग अलग एकत्र कर डोर टू डोर के कर्मचारियों को दिए जाने हेतु जानकारी दी गई। नगर निगम गोरखपुर के एक ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया गया। सभी ट्राईसाइकिलों पर गीले कूड़े के लिए हरे एवं सूखे कूड़े के लिए नीला डस्टबिन रखा गया है। इसके साथ ही ट्राईसाइकिलों पर गीले एवं सूखे कूड़े की पहचान हेतु विवरण सहित पोस्टर भी लगवाए गए हैं, ताकि लोगों को गीले और सूखे कूड़े की जानकारी हो और तदनुसार लोग उसी अनुसार हरे और नीले डस्टबिन में अपने एकत्रित कूड़े को डालें। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन के साथ साथ लेखाधिकारी श्री रवि सिंह, जुनल सफाई निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव तथा बैंक के प्रबंध एवं अन्य स्टाफ, नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, एक एक लोग निकालो आइए ना। में हम लोगों ने यूनियन बैंक के जो रीजनल मैनेजर हैं, रीजनल हेड हैं, उनकी उपस्थिति में, जो हमारे लेखाधिकारी महोदय हैं उनकी उपस्थिति में और नगर निगम की अन्य टीम के साथ वहाँ पर जो हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, उसमें हम लोगों ने लगभग 25 से ऊपर जो ट्राई साइकिल है जिसमें कि नीला और हरा डस्टबिन लगा हुआ है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया इसका। और वहाँ पर मौजूद बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को संबोधित करते हुए उनको ये अवगत कराया कि ये छात्र हमारे नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको अपने घरों में जाकर अपने आस पड़ोस में लोगों को बताना है कि वो अपने घर के कूड़े को बाहर ना फेंकें, खाली प्लाटों में ना फेंकें। जो उनके यहाँ ये रिक्शे वाले, जो ये गाड़ी वाले आ रहे हैं, सीटी बजाकर, गाना बजाकर आपसे वो कूड़ा मांग रहे हैं, तो आप अपने घर में दो डस्टबिन रखिए, गीले कूड़े को जो हरे रंग के डस्टबिन में और सूखे कूड़े को नीले रंग के डस्टबिन में रखें, और जब गाड़ी आ जाए या ट्रॉली आ जाए उसके ऊपर नीले कंपार्टमेंट में जो सूखा कूड़ा और हरे कंपार्टमेंट में गीला कूड़ा उसको दे दें, जिससे कि कूड़ा इस सड़कों पे नहीं फैलेगा और प्राइमरी सोर्स पे ही इस कूड़े का सेग्रीगेशन हो जाएगा। और इस, आप भी जानते हैं कि इस गीले कूड़े से और सूखे कूड़े का बहुत बड़ा अब उपयोग हो गया है। इस गीले कूड़े से जहाँ हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट और अन्य चीज़ें बना रहे हैं, साथ ही बायो सीएनजी बनाने जा रहे हैं, वहीं पर इस जो हमारे सूखे कूड़े में प्लास्टिक की बॉटल्स और अन्य चीज़ें हैं उनसे हम लोग रिसाइकिल करके गमले, जो
पॉट, खिलौने आदि बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको हमारा इस आज के इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी पब्लिक नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम का पूरा योगदान दें, उसमें अपना जो है जो एक सहभागिता प्रदान करें, जिससे कि जो शहर में कहीं कुछ गंदगी है भी वो भी ना देखने को मिले, और गंदगी को जहाँ जाना चाहिए, जहाँ पर हमारा मैनेजमेंट प्लांट है सॉलिड वेस्ट में, वहाँ पर पहुँचे, इधर उधर ना गंदगी दिखाई दे। और यह इसके माध्यम से समझाया गया कि शहर को स्वच्छ रखना सिर्फ नगर निगम का ही नहीं, वरन सहस पर जितने भी शहरवासी हैं उन सबका प्राथमिक कर्तव्य है।